बिजली बिल जो है हमारा माफी हो गया है। माफी होने के बाद जो है बिजली विभाग जो है हमारा कागज को दाब दिया और यहाँ आते हैं तो यहाँ से भगा रहा है। शुरू में था 40,000, उसके बाद आप जो है बताता है 1,85,000, वो कागज दाब लिया बिजली विभाग ने कि नहीं आपको इतना देना होगा 95,000, नहीं दीजिए तो कानून कार्रवाई होगा। कुर्की जब्ती के लिए आ गया था मेरे पास, उससे पहले हमको 100 रुपया आता था। हमारा बाप इसी में इसी वियोग में चला गया है और इसी में हम भी जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। देखिए, बिहार में अलग अलग तरीके के घपलावरों का नाम तो आपने सुना होगा, लेकिन देखिए एक बार नया एक नई चीजें देखने को मिल रही हैं कि एक बुजुर्ग आए हैं जो ललन सिंह यानी कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके लोकसभा क्षेत्र से, और इनका जो बिजली बिल है अगर उसकी बात कर ले तो 1,85,000 आया। अगर इनकी बात करें तो इनका साफ कहना है कि घर में 3 से 4 केवल बल्ब जलते हैं और इसके बाद भी कई बार इन्होंने शिकायत भी किया है लेकिन उसके बाद भी इनकी बात नहीं सुनी जाती है। और लेकिन अब जो बिल की बात कर रहे हैं तो बिल की तस्वीरें भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये जो बिल है वो भी आप देख सकते हैं कि 1,85,000 से ज़्यादा जो है वो उनका बिल आया है, लेकिन सरकार के पास ये गुहार लगाने आए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जनता दरबार चल रहा है, प्रत्येक सोमवार को, महीने के 3 सोमवार को जो नीतीश कुमार जनता दरबार लगाते हैं, लेकिन इन्हें फरियादी के तौर पर अंदर जाने नहीं मिला है। कहाँ से आए हैं बाबा और क्या मकसद? मुंगेर जिला से आए हैं। बिजली बिल जो है हमारा माफ़ी हो गया है। हाँ। माफ़ी होने के बाद जो है बिजली विभाग जो है हमारा कागज को दाब दिया, वो दिया नहीं और यहाँ आते हैं तो यहाँ से भगा रहा है। तो यहाँ आप एप्लीकेशन नहीं दिए थे आने का? यहाँ नहीं, हम तो जानवे नहीं करते थे एप्लीकेशन, तो हम क्या जाने। कितना का बिजली बिल आया था? हमारा शुरू में था 40,000, उसके बाद जो है 1 महीना के बाद 63,400 कुछ रुपया का आया, उसके बाद आप जो है बताता है 1,85,000, तो आप देखिए किए। तो 1,85,000 बता रहा आप कर रहे हैं, बिजली विभाग के द्वारा आपका माफ़ी हो गया था, उसके बाद क्या दिक्कत आ गया? विभाग के थ्रू नहीं, अति प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के वजह से हुआ। अच्छा। हाँ, यहाँ आते हैं तो यहाँ कुछ नहीं सुनता है, अब वो कागज दाब लिया बिजली विभाग ने। क्या बोल रहा है बिजली विभाग, क्या कह रहा है? कि नहीं आपको इतना देना होगा 95,000, नहीं दिए तो? नहीं दिए तो कानून कार्रवाई होगा, सो कह रहा है। कुर्की जब्ती के लिए आ गया था मेरे पास, तो हम तो भाई केस कर करके इसको रोक लिया। नहीं, ये बताइए कि घर में कितनी बिजली खपत होती है जितना आपका 1,85,000 आया? 3 बल्ब जलता है, 2 पंखा जलता है। काहे अब बेटा पुतो आ गया है तो 2 गो पंखा, एक तो हम अपने जलाते हैं, एक बेटा पुतो जलाता है, 2 गो पंखा चलता है। पहले कितना बिजली बिल आता था? उससे पहले हमको 100 रुपया आता था। 100 रुपया? 100 रुपया मंथली, पर मंथ 100 से सीधे 1,85,000 हो गया। 1,85,000 बिजली विभाग कुछ नहीं कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है। मुख्यमंत्री के पास आए तो यहाँ मिलने भी नहीं दिया जा रहा है? नहीं दे रहा है। क्या मांग क्या है आपका? मांग यही कि हमारा गरीब आदमी है, हमारा बाप इसी में इसी वियोग में चला गया है और इसी में हम भी जाएंगे, हम भी तो हमारा भी तो उम्र तो हो ही चला गया। माफ़ी नहीं हो रहा है? माफ़ी नहीं हो रहा है। तो देखिए, इस तरीके से जो तमाम आप देख रहे हैं फरियादी भी आते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास, कारण केवल यही है कि अलग अलग मांग को लेकर। दूसरी तरफ की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि और भी कई फरियादी हैं वो भी आए हुए हैं। लेकिन देखिए, जब बिजली विभाग की बात कर लें तो एक तरफ जहाँ पर बिहार की बात कर लें तो बिहार में बिजली जो है वो काफ़ी महंगे दर पर मिलती है, और दूसरी तरफ की बात कर लें ये वो व्यक्ति हैं जो पहले भी कह रहे हैं कि 100 रुपये बिजली बिल था वो आता था, लेकिन देखिए अब बिजली बिल का दर भी बढ़ गया है और सीधे 100 रुपये से 1,85,000 का बिजली बिल आ गया है। और साफ तौर पर बिजली विभाग का कहना है कि अगर ये पैसे नहीं दिए गए तो कुर्की जब्ती होगी, घर से निकाल दिया जाएगा, FIR होगा। और ये उस समय आ रहा है जब मुख्यमंत्री ने पहले ही माफी की बात कह दी थी और कहा था कि इसे माफ कर दिया जाएगा, लेकिन बिजली विभाग के द्वारा या उनकी लापरवाही कह सकते हैं कि मुंगेर जिले में ऐसा भी देखने को मिला। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही, आप हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।